दोस्तों कि अभी अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं एंड गाइज उसके बाद मैनेज एंड एप्स डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखा रहता है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो गाइज इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा अनुराग कुशवाहा के नाम से। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप सर्च बार में जाएगा, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं अनुराग कुशवाहा। यहाँ पर 1.2K की फैमिली से हमारे ऊपर हो चुके हैं तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट में अपडेट होता है वो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको अर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन मिलेंगे जिनसे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब चलिए बताते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहला तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर को अपडेट कर लेना है। अपडेट कैसे किया जाता है उसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे अपडेट किया जाता है, क्रोम से किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसे सही करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स शो करेंगे तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। जितने भी डिवाइस के ऐप्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ही ढूंढना है। तो चलिए हम अपने प्ले स्टोर को ढूंढ लेते हैं एंड उसके बाद उसको सबसे पहला दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद उसे यहाँ पर फोर्स स्टॉप कर देना है, ओके कर देना है एंड उसके बाद परमिशन भी चेक कर लेना है। परमिशन इसके अलावा होना चाहिए, ये देख सकते हैं जितनी अलाउड सेक्शन में ये सारी होना चाहिए, SMS, फ़ोन, नियर बाई डिवाइस एंड उसके बाद लोकेशन, कॉन्टैक्ट, स्टोरेज आपके अलावा होना चाहिए। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी ये ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद उसको यहाँ पर आपको मोबाइल डेटा पर जाना है तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड डाटा ये ऑन रहना चाहिए एंड गाइस उसके बाद उसको यहाँ पर थोड़ा सा बैक आएंगे, यहीं पर आएंगे एंड उसके बाद स्टोरेज एंड कैच के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर इसका कर देना है क्लियर कैच। यहाँ पर जो MB वगैरह दिख रहा था वो जीरो कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको बैक आएंगे और बैक आएंगे यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस, इसको ज़रूर ध्यान देना है, इस पर क्लिक करना है। इसका भी यहाँ पर फोर्स स्टॉप करना है और एंड उसके बाद उसको इसके स्टोरेज एंड कैच के ऑप्शन पर जाना है, इसका भी यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है। दोस्तों जैसे ये चीज़ कर देते हैं तो दोस्तों दोबारा से हम अपने जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर। दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स किया है देख सकते हैं अभी आपके सामने। मैनेज ऐप डिवाइस के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज वाले ऑप्शन पर गए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जितना भी ऐप्स है वो सारा सारा यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहीं पर मुझे प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। तो आई होप ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।